हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बिहार का आधुनिक इतिहास आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, खास करके बीपीएससी वालों के लिए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इसलिए हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइस, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है मधुबनी, चंपारण, पटना और गया। तो आंसर होगा चंपारण। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कब किया था, तो 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस तरह के दो क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ किया था और कब किया था। तो 1917 में किया था, कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। चलिए अब हमने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? ऑप्शन है नाना साहेब, तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह। तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो थे कुंवर सिंह जी जो थे वह नेता थे। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन में है रांची, बलिया, चंपारण और अलीपुर। तो जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था वो था रांची। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हुए याद करते हुए चलिएगा। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन में कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और किसान सभा। तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगर और जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है गाइज, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, और 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। और 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको दोहरा रही हूँ। चलिए हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय भारत का वह कौन सा क्षेत्र था जो अफीम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था? तो ऑप्शन में है दक्षिणी भारत, बिहार, गुजरात और असम। तो उस समय जो था बिहार जो था वह अंग्रेजों के शासन काल में अफीम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ठीक है गाइस, चलिए हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, 1899 और 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1899 और 1900 ईस्वी में जो मुंडा क्रांति हुआ था उसका नेता कौन था? तो ऑप्शन में है बिरसा मुंडा, शंभुदान, बूढ़ा भगत और सिद्धू। तो उस समय का जो मुंडा क्रांति के नेता जो थे वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है गाइज, चलिए अब सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? जो 1922 का अधिवेशन हुआ था वो बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है रामगढ़, पटना, हरिपुरा और गया। तो जो उस समय हुआ था वह कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, जो बिहार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, बिहार के गया में। चलिए हम लोग एट क्वेश्चन पे आते हैं। एट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का देहांत जो हुआ था वो 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे और वह एक जमींदार थे। ठीक है गाइज, और इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है अंग्रेजों को भगाने में। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रूर लड़ाई करके और अंग्रेजों के लोहे के चने चबवा दिए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, एम एन राय और सत्य भगत। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थे उसके जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है गाइस,
जयप्रकाश नारायण के बारे में पीछे मैं कुछ बता चुकी हूँ, तो इसको ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। चलिए हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के रहने वाले थे और उन्होंने ही 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। चलिए हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र और राम सिंह। तो जो चंपारण नील आंदोलन है उसके राष्ट्रीय नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। चलिए अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है गाइस, अब हम लोग 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन है, हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन के गठन किसने किया? तो हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है गाइस, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद करोगे तो इसको जरूर एक नंबर या दो नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। चलिए अब हम 14th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? जो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी और विचारधारा का जो प्रसार हुआ था उसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण और बीपी सिंह के पाश्चात्य शिक्षा को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को और ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो जो विचारधारा का प्रचार का श्रेय जो जाता है वह जाता है जयप्रकाश नारायण और बीपी सिंह के पाश्चात्य शिक्षा को। चलिए अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे जाते हैं। 15th क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा जो थे वो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ना वो उत्तरांचल के पक्ष में थे, ना झारखंड के और ना छत्तीसगढ़ के। चलिए हम लोग 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? वैश्विक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। चलिए हम लोग 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो थी वो पटना में हुई थी। ठीक है गाइज, इसको ध्यान से देखिएगा, पटना में हुई थी पहली बैठक। चलिए हम लोग 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित है? तो जो चंपारण आंदोलन है उससे कौन संबंधित है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और जयप्रकाश नारायण। तो चंपारण आंदोलन जो है वो जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। ठीक है गाइस, चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वह कौन थे? तो जो दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग से, उनका नाम था नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। नारायण सिंह और सुखलाल सिंह वह दो नेता हैं जिनको 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से आंदोलन के लिए गिरफ्तार किया गया था। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन पे, 20th क्वेश्चन है, 1857 में बिहार में जो विद्रोह हुआ था, जो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक हुआ था, उसका केंद्र कहाँ था? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, 1857 की क्रांति जो है वो बाबू वीर कुंवर सिंह से रिलेट करती है। तो 1857 की क्रांति जो है बाबू वीर कुंवर सिंह से जब रिलेट करती है तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ के थे? तो वह कहाँ के थे? तो वह थे जगदीशपुर से। तो जगदीशपुर इसका आंसर होगा। 1857 की क्रांति आप लोग ध्यान से देखिएगा और बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिएगा, तभी आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।